दोस्तों अक्सर हमको डाउट होता है इन पोर्ट्स को लेकर के कि कौन से पोर्ट्स हैं और इन पोर्ट्स का क्या इस्तेमाल होता है। तो आज मेरे सामने एक ऐसा सेटअप बॉक्स है जिसपे ये तीनों पोर्ट्स दिए हुए हैं जो कि कंपोनेंट पोर्ट हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे YPB YPR इस तरीके के पोर्ट्स में लिखे भी हैं। और साथ ही साथ मेरे पास एक ऐसी TV भी है जहाँ पे ये तीनों पोर्ट्स को सपोर्ट करती है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ कि ये पोर्ट का क्या यूज़ होता है और किस तरीके से ये पोर्ट काम करता है। अब दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और तो चलिए फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और देखते हैं कि ये जो तीनों पोर्ट हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो फिलहाल इस पोर्ट में मैं इस केबल को आज इस्तेमाल करूँगा। ये ऑडियो वीडियो केबल है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट वाली केबल नहीं है, तो मैं ऑडियो वीडियो केबल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और एक एंड पे मैं इस केबल को कनेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से, और जो मेरे इसी केबल का दूसरा एंड है उसको मैं अपने टीवी में कनेक्ट करने वाला हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से टीवी रिस्पॉन्स देता है। तो फिलहाल मैं पूरा का पूरा कनेक्शन अभी कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप मेरी टीवी के बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट पोर्ट का पूरा इनपुट दिया हुआ है और कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले अपने सेटअप बॉक्स को चालू कर लेता हूँ इस तरीके से, जो ये मेरा सिग्नल वाला केबल है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जो ये मेरा वाई पोर्ट है इसको मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया है, जो और जो YPB और PR पोर्ट है साथ में उनको भी मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अपने टीवी से HDMI केबल को निकाल देता हूँ। तो फिलहाल मेरी टीवी में सिर्फ 3 केबल लगी हुई हैं जो कि कंपोनेंट इनपुट है। तो चलिए हम टीवी को ऑन करते हैं और उसके बाद देखते हैं तरीके से रिस्पॉन्स। तो अभी आप देख सकते हैं जो मेरी टीवी है वो फिलहाल HDMI 2 मोड में है, तो मुझे सबसे पहले इसको कंपोनेंट मोड में लेके आना पड़ेगा। तो कंपोनेंट मोड में लाने के लिए मैं यहाँ पर रिमोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और रिमोट का इस्तेमाल करके मैं कंपोनेंट मोड में आ जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था मेरा वो कंपोनेंट मोड, और इस पर मैं ओके कर रहा हूँ। तो फिलहाल जो मेरी टीवी है वो कंपोनेंट मोड में आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और अभी आप देखिए कंपोनेंट मोड में जो मेरा पूरा का पूरा टीवी का कनेक्शन है वो आपको चलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा के देखूँ तो देखिए आप यहाँ पे वॉल्यूम फुल है, लेकिन मुझे अभी टीवी से कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो कंपोनेंट पोर्ट होते हैं, यानी कि जो 3 पोर्ट्स होते हैं YPB और PR, ये तीनों पोर्ट मिला के एक सिंगल वीडियो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इसीलिए मैंने फिलहाल अभी सिर्फ तीनों पोर्ट को कनेक्ट किया और सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन मेरी टीवी तक पहुंच रही है, वो है सिर्फ वीडियो। तो मैं एक एक करके अभी केबल को डिसकनेक्ट करूंगा और आप टीवी में देखिएगा कि किस तरीके का आपको चेंजेस दिखाई देता है। अब तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं YPR वाली केबल निकालता हूँ तो मेरी टीवी का कुछ कलर थोड़ा सा डिम हो गया है, यानी कि आपको रेड कलर होता है वो टीवी में नहीं दिखाई दे रहा है। और फिलहाल अभी मैं YPV वाला जो केबल है उसको डिसकनेक्ट कर रहा हूँ टीवी से। तो जैसे ही मैं इस वाली केबल को निकालता हूँ तो आप देखिए मेरी टीवी में वीडियो तो आ रहा है, लेकिन वीडियो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि जो वाई कलर का जो मेरा केबल होता है वो सिर्फ वीडियो की ल्यूमिनेस को कैरी करता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो फिलहाल मेरी टीवी में सिर्फ एक ही केबल कनेक्टेड है, इसीलिए आपको जो कलर टीवी का जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैं दूसरा केबल अभी फिर से कनेक्ट करने जा रहा हूँ तो आप देखिए टीवी में कलर तो आ गया है, लेकिन अभी भी लाल कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही मैं तीसरा केबल कनेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि टीवी में तीनों, यानी कि पूरी पूरा कलर इन्फॉर्मेशन फिर से आपको दिखने लगा है। तो दोस्तों ये था एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि किस तरीके से YPV और PR जो हमारे पोर्ट होते हैं वो काम करते हैं, किस तरीके से वीडियो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है, अगर आपको ऑडियो चाहिए अपने टीवी में तो आपको एक अलग से ऑडियो के लिए केबल लगानी पड़ेगी और उसके बाद ही जाके आपको ऑडियो सुनाई देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर सुझाव है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।